नमाज पढ़ो, आज को बुझाओ। क्या मानी? मानी ये हुए कि परवरदिगार आलम बताना है चाहता है कि याद रखो, मुसलमान आग को बुझाने वाले को कहते हैं, आग के लगाने वाले को मुसलमान नहीं कहते। सुभान अल्लाह। जो मुसलमान आग को बुझाए वो है मुसलमान। नमाज को छोड़कर आग को बुझाओ। हालांकि वो पड़ोसी जिसका मकान जल रहा है, ये जरूरी नहीं कि कलमा हो, ये जरूरी नहीं कि आपके मसलक का हो, चाहे जो भी हो, बंदे खुदा है उसके मकान में आग लगी है, तो आपका फरीजा ये कि नमाज को तोड़िए, आग को बुझाइए। ये है तकाज़े दीन, ये है तकाज़े शरीयत। इसके माने मुसलमान कब बनेगा? अगर कोई नमाज पढ़ता रहा तो हुज़ूर सरवरे कायनात कहते हैं कि वो नमाज जो पढ़ता रहा और आग लगती रही, मकान जलते रहे, तो याद रखो उसकी नमाजें ना यहूदियों की नमाज होगी, ना इस्लामियों की नमाज होगी, उसके कुछ नमाज नहीं होगी। यानी वो बिल्कुल घाटे में रहेगा। अब समझ में आए कि मुसलमान होने के लिए ये जरूरी नहीं कि हमारे पास अलामतें पैदा हो जाए कि हम दाढ़ी रखे हुए हैं, हम नमाज पढ़ के उतर रहे। नहीं, नमाज पढ़ के उतरना तो आपका फरीजा है, आप फरमाइए परवरदिगार ये अलामत है। हकीकत में भी आप मुसलमान हो, दिल से भी आप मुसलमान हो, शरीयत के मानने वाले हो, दीन के मानने वाले हो, और दीन के तकाजों को जो पूरा करेगा वही ऐसे मुसलमान है, वरना कलमा बहुत सिरों पर देख पड़े। अगर कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान होता तो परवरदिगार आलम ने सूरह बकर भी ये लिखा होता कि वो मिन अल्लाह से मैं यकूल आमन्ना बिल्लाहि वबिल्यौमिल। ये आपके पास जो लोग आगे कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए अल्लाह पर भी और यौमे आखिरत पर भी, तो अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है मा हुम बे मोमिनीन, ये हरगिज़ अभी मोमिनी भी मैं, कुरान की आयत है, कोई हदीस नहीं है। रसूल इस्लाम के पास आगे लोग कलमा पढ़ रहे हैं कि हम अल्लाह पर भी ईमान ले आए, यौमे आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, और अल्लाह कह रहा है मा हुम बे मोमिनीन, ये हरगिज़ अभी मोमिन नहीं है। क्यों है हरगिज अभी मोमिन नहीं? वलम्मा युदखिल ईमान फी कुलूबिकुम, क्योंकि ईमान तो इनके दिलों में उतरा ही नहीं। इसके मानी मुसलमान दो तरह के होते हैं, एक वो जिनके ईमान दिल में उतर जाए, और एक वो जो कलमा से जबान पर हो। देखिए सारी चीजें इसके लिए ये मजलिसें इसी तरफ आपके लिए हैं कि हम जो अमल करते हैं याद रखिए कि ये अमल अपनी तरफ से नहीं करते, ये किसी की सुन्नत के द्वारा किया है। हुज़ूर सरवरे कायनात के यहाँ हदीसें मिलती हैं, आप चाहे सही बुखारी देख लीजिए, चाहे सही मुस्लिम देख लीजिए, चाहे सही तिर्मिज़ी देख लीजिए, इन इमाम हुसैन की अज़मत में क्या इन सहाय सित्ता में तस्करे इमाम हसन नहीं है, इमाम हुसैन नहीं है, जनाब फातिमा ज़हरा का तस्करा नहीं है, सैयदा शबाब अली तिरमा किसके लिए कहा गया? हसन हुसैन के लिए कहा गया। ये तिर्मिज़ी भी बता रही है कि जवाना ने जन्नत के सरदार, तो जवाना ने जन्नत के सरदार के मानी क्या होंगे? जवाना ने जन्नत के सरदार के मानी ये नहीं है कि ये जन्नत में जब लोग पहुंच जाएंगे तो वहां सरदारी अदा की जाए, नहीं, असल में जवाना ने जन्नत का सरदार बनाया है, यहाँ बनाया है रसूल इस्लाम ने यहाँ दुनिया में, और कह रहे हैं जवाना ने जन्नत का सरदार, तो क्या मानी है? मानी है कि जिसको ये देखना हो कि वो जन्नत का मुस्तहिक है कि नहीं, जन्नत वाला है कि नहीं, पहले वो अपनी गरीबान में झांक के देखे कि वो हसन वाला है कि नहीं, हुसैन वाला है कि नहीं। अगर उनको सरदार यहाँ आना है तो उनके सरदार हदीसें मौजूद हैं कि नहीं मौजूद,
यानी इनकी मौजूदगी ये बता रही है कि मुसलमान हकीकत में वही है जो हसन वाला हो, हुसैन वाला हो, अली वाला हो, अल्लाह वाला हो, रसूल वाला हो। इसके अलावा कुछ और हो जाने नहीं होता।
आना चाहेंगे आपके, और जब कुर्बत पैदा हो जाए तो यकीनन ये कुर्बत इस बारे में होती है कि किसी नाम से इतना मजमा नहीं आता जितना नाम से हुसैन के जिक्र हुसैन के नाम का मजमा जाता है। आप चाहे रात में बुलाएं तब भी मजमा मौजूद है, दिन में बुलाएं तब भी मजमा मौजूद है। क्यों? क्योंकि हुसैन के नाम में परवरदिगार आलम ने इतनी जाज़बियत रखी है, इतना असर रखा है कि इनके नाम को बुलाया जाता है, दीन का सबक सुनाया जाता है, अहकाम शरई बताए जाते हैं, कुरान के हुक्म सुनाए जाते हैं। तो ये तज़किरा हुसैन है, ये जिक्र हुसैन है। आज इस शहर में, इस गाँव में, बस्ती में हुसैन का चेहरा है। इसका चेहरा जिसको 40 रोज तक कफन नहीं मिला, 40 रोज तक इमाम हुसैन का जनाजा बेगुरो कफन जमीन करबला पर पड़ा था। आप आजादार हुसैन, आप सोच सकते हैं कि मुसलमान होने के बाद देखिए, यजीदी कोई और नहीं थे, कलमा पढ़ने वाले लोग थे, कुरान पढ़ने वाले थे, हाफिज कुरान थे। उन्होंने अपने लाशों को दफन किया, लेकिन नवासे रसूल की लाश को दुनिया छोड़कर करबला के मैदान में चले गए। आज उसी इमाम हुसैन के चेहरे की याद में ये मजलिस है, ये जुलूस है कि उस मुसाफिर को हम याद कर रहे हैं, उस रसूल के नवासे को हम याद कर रहे हैं जिसको करबला में दफन नहीं किया गया, जिसको करबला में दफन नहीं मिला। तो हम ये दुनिया को सबक दे रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं कि आज दुनिया में यजीदियत नहीं है, आज गांव गांव में, बस्ती बस्ती में करबलाए आबाद है। ए हुसैन, ए हुसैन, 40 रोज तक आपका लाशा बेगौर और कफन पड़ा रहा, लेकिन आज हिंदुस्तान के बस्ती बस्ती में आज हम ताजिए को दफन करके आवाज देने, हुसैन अगर करबला में हम मौजूद होते तो आपका लाशा बेगौर और कफन न पड़ा रहता। आजादार जिसका बेटा मौजूद हो उसका, उसके बाप का लाशा उड़िया पड़ा रहे। ये सैयद सज्जाद से कोई पूछे, जनाब सैयद सज्जाद, वो सैयद सज्जाद जिनका चेहरा जर्द हो गया, जनाब ज़ैनब ने अपने को उम्र से गिरा दिया। ए बेटा सैयद सज्जाद क्या आलम है, अदादार सैयद सज्जाद के लिए मुखी अम्मा आप नहीं मुलाहिज़ा फरमाती कि यजीद ने अपने कुछ दाए ने जिनको तो दफन किया, लेकिन आए मेरा पड़ा हुआ है। अजादार जनाब सैयद सज्जाद बाप की लाश को छोड़कर जिंदा निशान में कैद हो गए। रवायतें ये बताती कि ये बहुत असर था, ये बहुत मंजर था कि जो जनाब सैयद सज्जाद जिंदगी भर नहीं भूले। रवायतें बताती कि जब जनाब सैयद सज्जाद रिहाई पाने के बाद करबला से मदीने पहुंचे और तारीखें लिखती कि मदीने के जब बाजार में सैयद सज्जाद निकलते थे तो लोग जल्दी से अपने कटे हुए गोश्तबंदों पर कपड़ा डाल देते थे, कहीं ऐसा ना हो कि सैयद सज्जाद की नजर इन कटे हुए सरों पर पड़ जाए, उनको अपने बाप का सर याद आ जाए। सैयद सज्जाद एक रोज बाजार मदीना में निकले, एक कसाब दो गोश्तबंदों को लिए हुए, दो बकरों को लिए हुए चला जा रहा था। रवायतें बताती हैं कि उसकी नजर इमाम पर पड़ी, इमाम ने नजर पड़ते ही पूछा, ए भाई इनको कहाँ ले जा रहा है? उसने हाथों को जोड़ा, मौला इनको जबा करने के लिए ले गया हूँ। जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, मना नहीं करता, मना नहीं करता, लेकिन इतना बता दे कि जबा करने से पहले तो पानी पिला लेता है कि नहीं पानी पिलाता, खाना खिला लेता है खाना नहीं खिलाता। बस उसने हाथों को जोड़ा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी